हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। तो सर्व समीकरण दिया है वन अपान सेक थीटा माइनस वन माइनस वन अपान सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। इस बाया पक्ष से इस दाया पक्ष को सॉल्व करते हैं। तो बाया पक्ष है हमारा, बायां पक्ष वन अपान सेक थीटा माइनस वन अपान सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, बायां पक्ष। अब इस क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन। एलसीएम यहाँ पर लिख देते हैं, सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, सेक थीटा प्लस वन का क्रॉस मल्टीप्लाई वन के साथ, फिर माइनस सेक थीटा माइनस वन का मल्टीप्लाई इस वन के साथ। तो यहाँ पर लिख दो, सेक थीटा प्लस वन मल्टीप्लाई वन, फिर माइनस सेक थीटा माइनस वन का मल्टीप्लाई वन के साथ। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेक थीटा माइनस वन मल्टीप्लाई वन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा, वन का मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेक थीटा प्लस वन, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, तो माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, यहाँ पर वन आ जाएगा। ठीक है, अपान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फार्मूले के आधार पर इसका जो सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर। तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर का वन ही होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा कैंसिल हो गया, वन प्लस वन कितना होगा टू, टू अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों। अब फार्मूला होता है, सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये माइनस है दोस्तों, माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर पुट करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा टू अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रख दो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक और सूत्र होता है वन अपान टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखा जा सकता है टू इंटू वन अपान टेन स्क्वायर थीटा, तो वन अपान टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि यही दायां पक्ष है, दायां पक्ष प्रूव हो गया फ्रेंड्स।